दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। AIMM की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उम्मीदवारों का, अपने प्रत्याशियों का जो 10वीं सूची है वो जारी कर दी है। इससे पहले 9 सूची जो है वो जारी कर चुकी थी AIMM की पार्टी, और 10वीं सूची जो है अभी अभी जारी किया है। आइए देखते हैं इस 10वीं सूची में जो है 6 उम्मीदवारों का नाम है, कौन कौन, किस किस के हैं, और कुछ बड़े नाम भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आशिया जो है भिंगा विधानसभा से, जो कि सरस्वती डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। इरफान पठान जो कि काफ़ी पॉपुलर चेहरा है, बहुत ज़्यादा नामचीन है और काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो रही थी, टांडा विधानसभा से जो है इनको उम्मीदवार बनाया है। अम्बेडकर नगर के अंदर, अम्बेडकर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ये विधानसभा पड़ता है। मोहम्मद शमीम भोला नेताजी उर्फ भोला नेताजी जो है वो मैं आपको बता दूँ कि बलिया से यहाँ पर इनको उम्मीदवार बनाया है। करीम वीर आज़ाद जो है ये सीट रिजर्व था करमवीर आज़ाद का, और ये आजमगढ़ के ही एक जगह है महनगर, और यहाँ से इनको उम्मीदवार बनाया है। मिर्ज़ा अकरम बेग सुल्तानपुर विधानसभा से इनको उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से तरही राम, जो कि ये सीट भी रिजर्व है भदोही के ओराई से, जो कि SC के लिए रिजर्व है, इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो ये है दोस्तों, और एक बार फिर से एस साहब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी दौरा के लिए तैयार है। आज से जो है एक बार फिर से कंपेनिंग स्टार्ट करेंगे, लोनी और दूसरे जगह पर जो है वो कंपेन करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बार जो घटना हुई है उनको पीछे छोड़ते हुए AIMM की पार्टी पूरी शिद्दत के साथ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी में लगी हुई। आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।